वीरेंद्र गोयल जी, जो अभी डॉक्टर अंशुमान ने बात कही कि मैं कैंसर सर्जन बना, इतने समय में इतनी पढ़ाई करी, आप हमारे पैनल पे डॉक्टर अंशुमान आते और कई डॉक्टर्स आते, लेकिन जब हमें कभी आंखों के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो क्या हम डॉक्टर अंशुमान को ही अप्रोच करते हैं, या किसी हम एक्स डॉक्टर को ही लगातार अप्रोच करते हैं? आंखों की समस्या होती तो क्या हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं? दिल की अगर कोई बीमारी होती तब भी क्या हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं? पेट की अगर कोई बीमारी है तो भी क्या हम सेम डॉक्टर के पास जाते हैं? हड्डियों की बीमारी होती तो भी क्या हम सेम डॉक्टर के पास जाते हैं? लेकिन यहाँ पे ये तथा कथित व्यापारी बाबा जो अपने आप को डॉक्टर मान बैठा है, या बहुत बड़ा वैद्य या बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य मान बैठा है, हर बीमारी का इलाज ये चुटकियों में देता है, कैसे? और एक बात और डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, कि जिस तरह से ये बाबा बन रहे हैं, अब मैं इस तरह की बात कहूंगा, अभी सब लोग गालियां देने शुरू हो जाते हैं, ट्रॉल बन के आ जाते हैं कि भाई आप जो है ना हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू धर्म का जो है ना विनाश करना चाहते हैं, आप इसको मानते नहीं है। राम रहीम जेल में है, क्या ये दवाई नहीं बेचता था? आशा राम जेल में है, क्या ये दवाई नहीं बेचता था? रवि रवि शंकर, श्री श्री जो भी इनका नाम है, श्री श्री रवि शंकर, वो क्या दवाई नहीं बेच रहे? ये बाबाओं को ये दवाई का ज्ञान देता कौन है? कहां से इनको विद्या आ जाती है? रविंद्र जी, आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है, और डॉक्टर साहब जो अभी बोल करके चुके हैं, ये व्यापारी लोग अपना धंधा चलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, हमारी भोली वाली जनता है जो गांव में रहती है, जो इतनी एक्सपोज नहीं है, ये साइकोलॉजी के मास्टर हैं और साइकोलॉजिकल गेम खेल के उस जनता को गुमराह करते और अपनी दुकान चलाते हैं। ये जो आपने कहा कि जब इतनी बीमारियों के लिए एक ही आदमी कैसे ठीक कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है कि आज हमें अगर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, आके दिखाना है, तो हम उसके पास जाएंगे, हम ईएनटी के पास जाते हैं, हम लीवर वाले के पास जाते हैं, हम किडनी वाले के पास जाते हैं, हम डॉक्टर अंशुमान जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लोग जाते हैं अपना इलाज कराने। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक आदमी के पास सब कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो क्या यही बात पर्याप्त नहीं है कि ये एक फ्रॉड है? क्या ये रामदेव फ्रॉड है, इस बात में कोई डाउट है? और इसके ऊपर मुझे हैरानी है कि इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है। और मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो बाबा रामदेव को आदरणीय श्री रामदेव जी, बाबा रामदेव जी करके वो एड्रेस करके उनको चिट्ठी लिखते हैं कि आप ये आपत्तिजनक जो अपना बयान है इसको आप वापस ले लीजिए, उन अंशों को जो एलोपैथिक को बदनाम कर रहा है। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि इसकी एफआईआर दर्ज करा करके इनको अरेस्ट किया जाए, जिससे कि आने वाले जो बाबा और बैठे हुए हैं उत्साहित होकर के, उनको एक सबक मिले और हमारे देश की भोली भाली जनता गुमराह होने से बचे? और ये डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी कि इसकी भयावहता कितनी हो सकती है कि अगर इसके बहकावे में जनता आ गई और अपना इलाज ना करा करके घर पे ही तड़प तड़प के मर गई, तो मर्डर कर रहा है। तो इस मर्डर को कैसे ये सरकार अपनी आंखों के नीचे होने दे रही है, ये बड़ी हैरान और विचलित कर देने वाली घटना है। मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रविंद्र जी, इनके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए देश के कानून के अंतर्गत, और इसको जो भी सजा उसमें है वो तुरंत मिलनी चाहिए। जी, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या यही कि सजा मिलनी चाहिए उसके लिए हमारे पास कोर्ट भी कम पड़ जाती है, जो ऑलरेडी अदालत में मुकदमे चल रहे हैं उसी के नतीजे नहीं आते। बट यहाँ पे तो समस्या यही है कि इनके खिलाफ मुकदमा करेगा कौन, मुकदमा करेगा तो सुनेगा कौन, ये भी एक बड़ी समस्या है।